नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन। आज तक हमने मैंगो से मिठाई बनाई है, आइसक्रीम बनाई है, तो आज हम मैंगो का चूरमा बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 केसर आम। अब इसकी हम छिलके हटा के प्यूरी तैयार करेंगे, बिना पानी डाले हुए पीस के तैयार कर लेंगे। ये हमने पीस लिया है, अब हम आटा तैयार करेंगे। अब हम इस प्यूरी में आटा और सूजी दोनों चीज डालेंगे और इसी से आटा लगाएंगे, इसमें पानी कुछ नहीं डालेंगे। तो पहले तो आधा कप आटा ले लेते हैं इसमें से और इसमें सूजी डालेंगे, तो 1/4 कप सूजी डालेंगे पहले तो, और घी डाल देंगे। मोइन के लिए घी 3 चम्मच घी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये आटा और डलेगा इसमें और सूजी भी डाल लेते हैं। बाकी की सूजी पूरी डाल लेते हैं। और ये आटा भी डाल लेते हैं। अब इसका आटा तैयार कर लेंगे। इसमें हमने 1 कप आटा लिया है और 1/2 कप सूजी ली है। अब इसके 4 हिस्से कर लेंगे। बाटी वाला ओवन गरम कर लेंगे और इसका लोया तैयार कर लेंगे। इस तरह से कर लेंगे और इसे बाटी वाले ओवन में रख देंगे। इसी तरह तीनों तैयार कर लेंगे। ये हमने सभी तैयार कर लिए हैं, अब इन्हें हम सेक लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं सिक गए क्या। ये सिक गए हैं, इसी तरह दूसरी साइड भी सेक लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं ये सिक गए हैं। अभी तक हमने फुल आंच पे सेके हैं, अब हम सिम आंच पे सेकेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, इसमें मैंने 1 से 2 बार चेक कर लिया था। ये इस तरह से सेक लेंगे, अब गैस बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। ठंडे हो गए हैं, अब इसे हाथ से इस तरह से तोड़ लेंगे। पहले तो अच्छे से टुकड़े कर लेंगे और फिर इसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे। ये हमने मिक्सी में पीस लिया है, अब इसे हम छान लेंगे। ये हमने छान लिया है, अभी और निकला है मोटा, इसे एक बार और पीस लेंगे। ये हमने छान के तैयार कर लिया है, अब इसमें सबसे पहले घी डालेंगे। पहले 1/4 कप घी डालेंगे, फिर देखेंगे इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच पिस्ता और इसमें बूरा डालेंगे। आधा कप बूरा डालेंगे पहले और फिर मिक्स करेंगे, फिर चेक करेंगे कि इसमें मीठे की और आवश्यकता है तो और डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने चेक कर लिया मीठा इसमें सही है। अगर आपको लगे थोड़ा कम ज्यादा तो आप उसके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, बाकी ये सब कुछ सही है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे पिस्ता और बादाम की गार्निश कर लेंगे। ये हमारा आम का चूरमा बनके तैयार हो गया है। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।